वीडियो में टेंथ क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर फोर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर टू को सॉल्व कर रहे हैं यहां पे क्या कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन में भी के दिया हुआ यहां पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में के दिया हुआ है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कब सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स इसके भी टू इक्वल रूट्स हैं और इसके भी टू इक्वल रूट्स हैं हम नेचर के बारे में पढ़ चुके हैं नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है कि अगर हमारे पास रूट्स इक्वल होंगे इफ़ डी डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्र माइनस फोर एस सी अगर हमारा इज इक्वल टू जीरो होगा तो टू इक्वल रूट्स होंगे यहाँ पे फर्स्ट पार्ट करते हैं हम पहले इक्वेशन है हमारे पास टू एक्स स्क्र प्लस के एक्स प्लस थ्री इजिकल टू जीरो वट आर द कोफिशेंट्स ए हमारे पास कितना है टू है बी हमारे पास क्या है के है एंड सी इज इकल टू थ्री है ठीक है अब रूट्स आर रियल एंड इक्वल इफ डी इजिकल टू जीरो अगर हमारे पास डी इज इकल टू जीरो हो दैट इज बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी इजकल टू जीरो डी क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्र माइनस फोर ए सी अगर हमारे पास जीरो होगा तो रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे अब यहां पे बी स्क्र बी हमारे पास क्या है के स्क्वेयर माइनस फोर इंटू वट इज ए एज टू फोर इंटू टू इंटू सी सी इज वट थ्री और विच इज equal टू जीरो ठीक है जीरो का इक्वल हो गया तो यहाँ से हम क्या करेंगे के स्क्वेयर इज इकल टू फोर टू जा एट एट थ्री जा ट्वेंटी फोर मैं उधर ले गया इसको तो के स्क्वेयर की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी ट्वेंटी फोर हो गई अब के इज इकल टू ध्यान दीजिए जब हम स्क्र रूट लेंगे तो यहाँ पर हम वैल्यू क्या रखेंगे प्लस माइनस रखेंगे प्लस माइनस रूट ट्वेंटी फोर अब ट्वेंटी फोर को हम कैसे लिख सकते हैं रूट ट्वेंटी फोर दैट इज टू टू ज फोर टू जट थ्री जा ट्वेंटी फोर ऐसे लिख सकते हैं हम यहाँ से एक टू बाहर आ जाएगा दैट मीन्स प्लस माइनस एक टू बाहर आ गया अंदर क्या बचा रूट सिक्स हो गया सो के इजिकल टू प्लस माइनस टू रूट सिक्स के लिए इस इक्वेशन के टू इक्वल रियल रूट्स होंगे ठीक है आसान सा था कोई मुश्किल नहीं है चलिए अब हम सेकेंड पार्ट को करते हैं यहाँ पे भी कंडीशन सेम लगेगी पहले हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो क्या बनेगा ये मल्टीप्लाई करेंगे दिस इज के एक्स इन टू एक्स के एक्स स्क्र माइनस टू के एक्स एंड प्लस का सिक्स इक्वल टू ज़ीरो के एक्स स्क्र माइनस टू के एक्स प्लस सिक्स इजकल टू ज़ीरो वट इज ए इज के वट इज बी बी इज माइनस टू के एंड वट इज सी सी इज सिक्स ठीक है क्या होगा डी निकालेंगे हम यहां पे इक्वेशन हैव इक्वेशन हैव टू रियल इक्वल रूट्स इक्वल रूट्स सो डी इज इक्वल टू क्या होगा डी इज इक्वल टू जीरो दैट इज बी स्क्र माइनस फोर ए सी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी क्वल टू जीरो के इक्वल होगी ठीक है बी स्क्र क्या बनेगा माइनस टू के का स्क्वेयर बी स्क् माइनस फोर वींस के हो गया एंड सी इज सिक्स इज इक्वल टू जीरो यहां से सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास दैट इज फोर के स्क्वेयर माइनस ट्वेंटी फोर के इजिकल टू ज़ीरो क्या बन जाएगा फोर के कॉमन ले लीजिए आप यहाँ पे फोर के अगर कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे के के बाहर आ गया माइनस सिक्स दैट इजिकल टू जीरो आ इधर फोर के इजिकल टू ज़ीरो फोर के इजिकल टू ज़ीरो और के माइनस सिक्स इजिकल टू ज़ीरो यहाँ से के की वैल्यू क्या हो गई ज़ीरो हो गई यहाँ से के की वैल्यू क्या हो गई सिक्स हो गई ध्यान दीजिए अगर के की वैल्यू जीरो हो जाती है यहां हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बचेंगी सो so, यहां से ये हम रिजेक्ट कर देते हैं रिजेक्टेड समझिए अगर के की वैल्यू जीरो रख देते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू फिनिश हो जाएगी खत्म हो जाएगी प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है नहीं हो सकता ना के की वैल्यू जीरो रखने से सिक्स इज इक्वल टू जीरो नॉट पॉसिबल के की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती सो के इज इकल टू सिक्स आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास इजिकल टू सिक्स के लिए ये इक्वेशन के टू तो रियल इक्वल रूट्स होंगे तो बहुत ही आसान था दोनों ही पार्ट बहुत ही आसान थे चलिए इस वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद जय भारत